Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, our today's topic is agriculture. Define agriculture. What type of land reforms were taken after independence? What is green revolution? Pehle hum discuss karenge agriculture. Agriculture is derived from two Latin words. Do Latin लफ्जों से निकला ये वर्ड एग्रीकल्चर. एग्री मीन्स लैंड और फार्म. कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. इट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड. जब हम लैंड को काश्तकारी में लाते हैं तो इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. एग्रीकल्चर में बहुत सारे जो काम है हमारी रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, हम फसलें तैयार करते हैं. रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, हम जानवरों को पालते हैं जिसमें शीप्स आते हैं, गोट्स आते हैं, कैटल्स आते हैं. मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जानवरों की जो पशुपालन होता है तो हम यहाँ पर इन जानवरों को पालते हैं. इसके अलावा एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक शोबेज़े हैं जो हैं उसके वो मुख्तलिफ हैं. मिसाल के तौर पर पोल्ट्री है जिसका जिसमें मुर्गी का पालन, डेयरी फार्मिंग जिसमें दूध का पैदावार, सेरिकल्चर जिसमें रेशम का पैदावार, हॉर्टिकल्चर जिसमें हम महकमे बागबानी की बात करते हैं, पेसिकल्चर जिसमें हम मछली की पैदावार, एपिकल्चर जिसमें शहद की पैदावार, तो फ्लोरिकल्चर जिसमें फूलों की पैदावार, तो ये मुख्तलिफ शोबे जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है. तो इसके अलावा हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स की. लैंड रिफॉर्म्स यानी जमीन की, इसमें हम जमीन के कवानीन की बात करेंगे आजादी से लेकर, तो जमीन की फर्टिलिटी के बारे में, इसकी जरखेजीपन के बारे में. तो जब हम ज़मीन की लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जो मुख्तलिफ इसमें इसके रिफॉर्म्स थे. रौतवारी सिस्टम था हिंदुस्तान में, पहले ज़मींदारी सिस्टम था, इसके बाद रौतवारी सिस्टम था, इसके बाद तो महलवारी सिस्टम हुआ. तो इनमें तरमीम आई, तो ये एबॉलिश हुए, ये ख़त्म हुए आज़ादी के बाद. तो नई जान आई यहाँ की ज़रात में, यहाँ के एग्रीकल्चर में, जो ये यहाँ की लैंड रिफॉर्म्स है, ज़मीनी इस्तिलाहत जिसको हम कह सकते हैं उर्दू में. तो इस ज़मीनी इस्तिलाहत के साथ जो मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई, तो इस ज़मीन में मिसाल के तौर पर इसकी ज़रखेज़ी के लिए हाई यील्डिंग फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किए गए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी जो ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में मिसाल के तौर पर ऐसे बीज बोए गए जिनकी पैदावार ज़्यादा हुई, या हाई यील्डिंग वैरायटी फर्टिलाइजर्स या मशीनरीज का इस्तेमाल किया गया. तो इस सूरत में, इस ज़मीन में हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की. तो इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की. ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्तलिफ जो थे वो शख्सियात जिनमें डॉक्टर विलियम गेंडी, नॉर्मन बोरलॉग एंड MS स्वामीनाथन थे जो इसके पियोनियर थे, जिन्होंने इस ग्रीन रेवोल्यूशन की, सब्ज इनकलाब जिसको हम कहेंगे, इसकी रहनुमाई की. इस ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, देयर इज़ अ इंक्रीज इन लार्ज स्केल इंक्रीज इन प्रोडक्शन. इस ज़मीन की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ. मोस्टली ज़्यादातर इजाफा किन फसलों में हुआ, यानी वीट, गंदम में, पल्सिस दालों में, तो इनकी पैदावार में इजाफा हुआ, जिसकी बदौलत यहाँ के ज़मींदार, हिंदुस्तान के ज़मींदार, या हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ के ज़मींदार सेल्फ सफिशिएंट हुए, उनके पास खुद कफील वो हुए इन फसलों की पैदावार के लिए. जब इनके पास ज़्यादा फसलें थे हिंदुस्तान के इन ज़मींदारों के पास, उन्होंने इस फसल को फिर एक्सपोर्ट किया, दरामद किया. फिर इसको एक्सपोर्ट करने के बाद जो यहाँ की इकोनॉमिक हालत जो वो सुधर गई. तो उसके बाद हम बात करेंगे वाइट रेवोल्यूशन की. वाइट रेवोल्यूशन में हम दूध की पैदावार की बात करते हैं. डॉक्टर वर्गीज क्यूरिन
जो था वो इसकी रहनुमाई उसने पहले की वाइट रेवोल्यूशन की। वाइट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस बिलियन लीटर आइडिया में डेयरी फार्मिंग। उन्होंने ये आइडिया दिया, ख्याल दिया कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दूध की पैदावार में खुद कफील बन सकता है। तो जब हम बात करते हैं दूध की पैदावार की, हिंदुस्तान सबसे बड़ा दूध की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है। इट वॉज ऑल्सो आउटकम ऑफ ICD, तो ICD इंटीग्रेटेड क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर जब हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था मुरतब हुआ 1964 एंड 65 में, जो इंटीग्रेटेड क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो दिया गया, इसके लॉन्च होने के बाद इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा पैदावार, दूध का पैदावार करने वाला मुल्क बन गया।